खबर मध्य प्रदेश के कटनी से है, जहां जिला चिकित्सालय की स्त्री रोग विशेषज्ञ को मरीज को जांच के लिए सरकार आवास पर बुलाना महंगा पड़ गया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर भी मरीज के साथ डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक पर पहुंच गए, जहां कलेक्टर को अचानक देखकर हड़कंप मच गया। दरअसल कटनी कलेक्टर अवि प्रसाद जिला चिकित्सालय में निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसी दौरान कलेक्टर ने मौजूद मरीजों से बातचीत की और सिविल अस्पताल की सुविधाओं के बारे में पूछा। तभी एक मरीज ने उन्हें बताया कि वे अपनी पत्नी का चेकअप महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रद्धा द्विवेदी से कराने आए थे। जिला अस्पताल में मौजूद आशा कार्यकर्ताओं ने महिला मरीज के पति को बरगला कर डॉक्टर के सरकारी आवास यानी प्राइवेट क्लिनिक में ले गई। मामले की सत्यता जानने कलेक्टर मरीज के पति के साथ डॉक्टर के आवास पर पहुंच गए, जहां कलेक्टर को देखकर हड़कंप मच गया। मामले में कलेक्टर ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही है। अस्पताल से जो आशा 4-5 मिली थी, तो हमको बोली चलो हम भर्ती करवा दे रहे हैं, तो मैं कही ठीक है तो करवा दो। नहीं, हमारी मैडम तो बोली है कि आप रुको थोड़ी देर, यहाँ भर्ती हो जाएगा, हो जाना। तो जे बोली कि नहीं, वहाँ चलो हम जल्दी करवा देंगे वहाँ मैडम का।